हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं पावर बीआई में रिलेशनशिप। तो आज हम बात करेंगे बोथ एंड बोथ रिलेशनशिप के बारे में। जी हाँ, मैनी टू मैनी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मेरे पास एक डेटा है, इस डेटा को देख लीजिए। अब ये डेटा जैसे एक डेटा है, इसमें नेम है, सीआईडी है और सेल्स है। दूसरा डेटा है सीआईडी, पीआईडी, नेम एंड एमआरपी। और तीसरा डेटा है पीआईडी और ट्रांसपोर्ट एंड जोन। अब देखिए, जैसे कि हम एक्सेल में या एमएस एक्सेस में एक रिलेशनशिप करते थे, तो उसमें एक की मेथड थी। हम पावर बीआई की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं पहले एक्सेल पर डेटा समझा रहा था आपको कि एक बात ये होता था कि दो कनेक्शन हो रही है, उन दोनों के बीच में कोई एक कॉलम जो है यूनिक होना चाहिए। बात समझे? दूसरा कि जैसे कि D1 D2 से कनेक्टेड है, D1 D2 से कनेक्टेड है और D2 D3 से कनेक्टेड है। बात समझ रहे हैं ना? D1 D2 से कनेक्टेड है एंड D2 D3 से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे अगर हम लगाते हैं पावर पिवट या पावर क्यूडी एक्सेल में, तो D1 D2 के साथ तो चलेगा, D2 D3 के साथ चलेगा, पर D1 D3 नहीं चलेगा। चलेगा, लेकिन पावर बीआई में ऐसा कुछ नहीं है। तो पावर बीआई में डेटा को, तीनों डेटा को लोड कर रखा है। अब डेटा कैसे लोड करते हैं तो पता ही आपको। तो यहाँ पे देखिए, हमारे पास D1, D2, D3 है। अब हम इसमें ऑटोमेटिक करेंगे, जैसे हमने CID को उठाया और D2 के CID के ऊपर मैंने छोड़ दिया। छोड़ने के बाद यहाँ पे क्रिएट रिलेशनशिप, और यहाँ पे ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गया मैनी टू मैनी, और यहाँ पे क्रॉस डायरेक्शन बोथ, दोनों तरफ से क्रॉस डायरेक्शन जो होगा बोथ। अगर सिंगल करते हैं तो D2 से D1 या D1 से D2 होगा, ठीक है ना सर? बोथ कर दिया कि दोनों साइड से कनेक्शन, राइट? और यहाँ आपका मैनी टू मैनी था। यहाँ पे क्या था? मैनी टू वन, वन टू वन, वन टू मैनी, यहाँ पे मैनी टू मैनी है। एंड हम इसको ओके करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैनी टू मैनी शुड बी ओनली यूज इफ यू एक्सटेंडेड नेदर कॉलम सीआईडी एंड सीआईडी कंटेन द यूनिक वैल्यू। समझ में आ गया कि दोनों के बीच में कोई यूनिक नहीं है, इसलिए हमें मैनी टू मैनी लगाना पड़ेगा। ओके, यूनिक तो है सर, वो सीआईडी तो दोनों में यूनिक है, दोनों में कॉमन है। सीआईडी यूनिक नहीं है, सीआईडी रिपीट है। यूनिक का मतलब हुआ कि एक नंबर वन इज द वन टाइम, वो लेफ्ट इज अ प्राइम। लेकिन यहाँ पे देखिए टू, यहाँ अच्छा, हाँ, नीचे भी टू है ना? ठीक है, ठीक ठीक है। अब मैं यहाँ से पीआईडी को उठाया और पीआईडी के ऊपर ड्रॉप किया, और यहाँ भी सेम मैनी टू मैनी हमारा आ गया, राइट? अगर नहीं आ रहा है तो सुड बी सिलेक्ट, आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। आ गया। अगर हम रिलेशनशिप में देखें तो यहाँ पे हम ये कर सकते हैं, जैसे कि मैं एक ग्राफ बनाता हूँ कि नेम वाइज एवरेज ऑफ ईएमआई, यहाँ पे एमआरपी का आ रहा है, मैं यहाँ पे एवरेज कर देता हूँ, ठीक है? तो हमने D1 D2 के बीच में कर लिया। फिर एक और हम यहाँ पे बनाते हैं सेम, और इसमें हम क्या देंगे? D1 D3 प्रोडक्ट नेम, ठीक है, और यहाँ पे हमने सेल्स दे, हो गया। और तीसरा हम देते हैं यहाँ पे, मान लीजिए ये चार्ट देते हैं, तीसरा हमारा हो जाएगा यहाँ पे जोन की, जोन बाय सेल्स। आ गया सर? हाँ जी, क्लियर है? हाँ जी। अब यहाँ पे हम रिलेटेड का फंक्शन जो लास्ट क्लास में बताया थे, क्योंकि हमें यहाँ पे अमाउंट निकालना है, तो न्यू कॉलम, यहाँ पे हम एमआरपी करते हैं, और यहाँ पे हम देंगे रिलेटेड का फंक्शन। किसका? रिलेटेड। रिलेटेड में हमने बोला D2 MRP।
related to MRP does not exist. Does not D1 में है सर MRP. ये हम तो क्रिएट किए हैं ये MRP. अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ गई, देख लीजिए जब हम मैनी टू मैनी रिलेशन करते हैं ना, तो यहाँ पे MRP आपका वर्क नहीं, ये रिलेटेड फंक्शन वर्क नहीं करता है. रिलेटेड फंक्शन वर्क करता है आपका सिर्फ इसमें जब वन होता है या वन टू मैनी होता है. तो यहाँ पे देखिए रिलेटेड फंक्शन में अगर हम यहाँ पे डी थ्री कर देते हैं, अगर यहाँ पे डी टू MRP ठीक है आराम से ब्राइट क्लोज करके एंटर करते तो नहीं होगा. तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, क्या करेंगे सर, सम निकालेंगे? नहीं सम नहीं चाहिए ना, मैं सम करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा ना, सम करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा. तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि क्या लुकअप वैल्यू. अच्छा हाँ लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू. और लुकअप वैल्यू में बोलता है रिजल्ट कॉलम कौन सा चाहिए, D2 का MRP चाहिए. उसके बाद यहाँ पे आता है सर्च कॉलम नेम, किसमें सर्च करना है तो D2 की CID. और वैल्यू कौन सा है, तो वैल्यू है यहाँ पे D1 की सेल्स CID. यहाँ पे भी लुकअप नहीं होगा क्योंकि इसमें दिक्कत ये है कि मल्टीपल मल्टीपल टाइम्स है सर, MRP हमारा मल्टीपल टाइम्स है ठीक है सर, इसे यहाँ पे लुकअप वैल्यू एडजस्ट नहीं करेगा. तो लुकअप वैल्यू लुकअप क्या होता है, लेकिन बिल्कुल नहीं क्या होता है कि मल्टीपल आइटम्स है तो लुकअप कर लेता है ना सर. लेकिन मल्टीपल आइटम से लुकअप करेगा, लेकिन जो फर्स्ट सर्च करेगा उसी के नेक्स्ट में आएगा ना. नहीं डी यहां पे टू नंबर जो आपको दिखा ना सर, हां D2 के अंदर जो हम सर्च करने जा रहे हैं वो टू नंबर वहां भी दो बार है, तो दो रिजल्ट दे रहा है, बट यहां पे तो एक ही रिजल्ट शो करेगा ना. तो वही क्या है, वही तो मैं कह रहा हूं यहां पे डी लुकअप के तरह लीनियर नहीं करता है कि डी लुकअप में अगर 5 मिल गया तो पहला दिखा देगा, 4 में इग्नोर कर देगा, ऐसा सिस्टम यहां पे नहीं है लुकअप वैल्यू. समझ में आया कि नहीं सर? जैसे यहाँ पे देखिए ना, मान लीजिए कि अब वीडियो पे आते हैं, अगर मान लीजिए यहाँ पे मुझे दो का लुकअप वी लुकअप लगाना है, तो यहाँ देखिए दो यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो वी लुकअप क्या करेगा, इसको शो कर देगा ना सर. हाँ ऊपर वाले को शो करेगा, लेकिन हमारे इसमें लुकअप वैल्यू में ऐसा नहीं है. लुकअप वैल्यू में आपको यहाँ पे एक ये आना चाहिए, मतलब कि लिमिटेड होना चाहिए, समझ गए, मतलब कि यूनिक होना चाहिए. यहाँ पे एक नई चीज आपको सीखने में मिल गया, तो क्या करें, तो यहाँ पे हम एवरेज ले सकते हैं, एवरेज और MRP या मैक्सिमम, या मेरे को एक ही लेना है ना हमें, तो मैं ये काम करता हूँ मैक्स लेते हैं, बात वही है, सबसे हाईएस्ट वैल्यू आ जाएगा कि मैक्स एक्स, और हमने यहाँ पे टेबल का नाम दे दिया डी टू, नहीं टेबल नहीं, यहाँ पे हमें ये करना है ना फिल्टर फॉर्म वाला फिल्टर, और फिल्टर में हमने यहाँ पे दे दिया D2, और फिर उसके अंदर हमने दे दिया फिल्टर में क्या चाहिए, तो हमने बोला D2 के अंदर जो CID है ये इक्वल होना चाहिए D1 के CID से, ठीक है सर. और मुझे सम मैच किसका निकालना है, तो हमें निकालना है MRP, MRP और L2.
भी इधर से वही रिलुकर भी हुआ ना सर। हेलो, हाँ जी सर, एग्जांपल बताने के पीछे रीजन यही था कि जब आप मल्टीपल्स में रिलेशनशिप करते हो तो उस समय रिलेशनशिप आप इजीली कर सकते हो, आपके यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से कवर करेगा। बट अब कैलकुलेशन की बात आती है तो कैलकुलेशन में आपको रिलेटेड का फंक्शन लुकअप वैल्यू का फंक्शन आपका नहीं लगता है, राइट? अब यहाँ पे मेरी वैल्यू मान लीजिए ए है, यहाँ पे मान लीजिए वैल्यू मेरी क्या थी, नंबर्स थी, तो हमने यहाँ पे उठा लिया। अगर मान लीजिए मुझे यहाँ पे नेम चाहिए हुआ, तो अगर मैं बोलूँ कि मुझे यहाँ रिलेटेड मीन्स का नेम चाहिए, मतलब कि सीआईडी में जो वहाँ प्रोडक्ट का नेम है वो चाहिए, पी नेम, बात समझे? तो अब यहाँ पे अगर मैं रिलेटेड फंक्शन अपना इस्तेमाल करता हूँ, रिलेटेड में हमने बोल दिया पी नेम, तो ये पी नेम एज पर रूल्स आएगा नहीं, एरर देगा, एरर दे दिया सर। अब यहाँ पे दिक्कत ये हो रही है कि कैसे करें। हेलो, क्योंकि लुकअप में भी तो यूनिक ही लेगा ना, तो है नहीं, कभी यूनिक नहीं लेगा। तो यहाँ पे हमारा टेबल आपको याद होगा ऑल का फॉर्मूला, यहाँ पे मेरा ऑल का फॉर्मूला वर्क करेगा। तो मैं यहाँ पे ये करता हूँ, पी नेम का एक बनाता हूँ, यहाँ पे मैं ऑल, और ऑल के अंदर में हमने बोल दिया यहाँ यहाँ पे आप देखेंगे पीएन में कि बी टू की सीआईडी आ गई। अब मैं रिलेशनशिप में आता हूँ, रिलेशनशिप में मैं यहाँ पे टेबल पीएन को डाल दिया। अब पीएन में हमने बोला इसकी सीआईडी और इसकी सीआईडी बराबर, हो गया क्लियर रिलेशनशिप सर? अब मैं यहाँ जो हमारे टेबल में आता हूँ, पीएन का टेबल है, इसमें न्यू में यहाँ पे भी कर सकते हैं, लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू
और किस में लुकअप करना है, लुकअप किस में करना है, तो D2 नेम में। सर्च कॉलम कौन सा है, हमने बोला सर्च कॉलम में D2 CID। यहाँ पे सर्च वैल्यू क्या है, तो सर्च वैल्यू है हमारा PMCI। तो हाँ, जिसमें से मैं फिर वही गलती कर दिया, जिसमें से हम लुकअप कर रहे हैं वो तो वही है ना, वहां तो रिपीटेड है ना। तो यहां पे CID कॉमा नहीं, मल्टीपल कॉलम नहीं लेगा सर। कॉलम इंसर्ट किए कहाँ, कॉलम इंसर्ट कर देते नहीं, टेबल में डायरेक्ट लगा रहा था। और यहाँ पे मैं एक और कॉलम ऐड करता हूँ, और यहाँ पे देता हूँ मैं ऑल फॉर्म ऑल, टेबल पे वर्क करता है, कॉलम पे वर्क करेगा नहीं। यहाँ नेम लाने में दिक्कत हो गई, तो मल्टीपल्स में यही दिक्कत होता है सर। अब यहाँ यूनिक तो निकल के आ गया, बट मल्टीपल्स में दिक्कत होता है। अब नेम के थ्रू अगर मान लीजिए यहाँ पे हमने PID में ए कर दे, यहाँ पे हम कर देते हैं नेम, पी नेम कर देते हैं, तो यहाँ पे नेम आ जाएगा, फिर आईडी नहीं आएगी। यही दिक्कत थी सर, प्रोडक्ट नेम तो आ जाएंगे, यहाँ पे प्रोडक्ट नेम ज़्यादा है और आपका ये आईडी कम है, रिपीटेड है, इसलिए दिक्कत होती। तो आपको ये एज एग्जाम्पल बताने की मेरा पर्पस यही था कि कभी इस तरह के डेटा आपको मिलता है तो आप ध्यान रखिएगा कि इसका यूज इस पे जो नहीं हो, क्योंकि तो पावर BI के भी अपने कुछ लिमिटेशन है, राइट सर। तो आज के डेट में आपने रिलेशनशिप, मल्टीपल सेल्स रिलेशनशिप के बारे में जाना कि कैसे यूज होता है और उसको चार्ट पे कैसे होता है, राइट सर। तो इसकी आप प्रैक्टिस कीजिए और हम अगली क्लास से आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं ये आपका पावर क्यूरी के बारे में, ठीक है, पावर क्यूरी, उसके बाद हम डैक्स क्यूरी पर जाएंगे, ठीक है सागर जी। तो ये डेटा आप भेज देना जरा सा एक बार, ठीक है, मैं भेज देता हूँ, आपने जो बनाया वो, ठीक, ओके, बाय।